हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में। आज हम भारतीय वायुसेना की एक महिला ऑफिसर के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद हुए पाकिस्तानी हवाई हमले को विफल करने में बेहद अहम भूमिका निभाई है। इस महिला ऑफिसर ने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स के एक एक मूवमेंट की जानकारी विंग कमांडर अभिनंदन तक पहुँचाई। बालाकोट में आतंकी कैंपों पर भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स ने भारत पर हमला किया था। भारतीय एयरफोर्स पहले से ही तैयार थी और उसने पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले को नाकाम कर दिया था। विंग कमांडर अभिनंदन ने इसी एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के अत्याधुनिक फाइटर जेट F-16 को मार गिराया था। इसी हमले को नाकाम करने के दौरान विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 विमान पाकिस्तानी मिसाइल का शिकार हुआ था। विंग कमांडर अभिनंदन को पाकिस्तानी सेना ने पकड़ लिया था, जिन्हें भारतीय कूटनीति की वजह से बिना शर्त रिहा किया गया। पाकिस्तानी हवाई हमले को नाकाम भारतीय एयरफोर्स की एक महिला फ्लाइट कंट्रोलर ने किया। सच बताऊं तो जब से ये खबर हमारे पास आई है, तो एक महिला होने के नाते मुझे बेहद गर्व महसूस हो रहा है, क्योंकि ये भारतीय सेना है जो अपनी महिलाओं को भी बराबर का हक देती है। पाकिस्तानी हमले को नाकाम करने वाली ये फ्लाइट कंट्रोलर पंजाब के रडार स्टेशन पर तैनात है। 27 फरवरी को पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राजौरी के कलाल इलाके से LOC यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पार किया। पाकिस्तानी एयरफोर्स के हमले में F-16, JF-17S और मिराज लड़ाकू विमान शामिल थे। रडार कंट्रोल पर बैठी महिला फ्लाइट कंट्रोलर ने फौरन दो सुखोई और दो मिराज विमानों को उड़ने के निर्देश दिए। भारतीय एयरफोर्स के विमानों और पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों के बीच डॉग फाइट शुरू हो गई। यानी कुल मिलाकर ये युद्ध जैसी स्थिति थी। ये ऐसे हालात थे जहां एक सेकंड के हजारवें हिस्से के अंदर कोई भी डिसीजन लेना होता है। कंट्रोल रूम में बैठी इस महिला अधिकारी ने ना केवल सटीक फैसले लिए, बल्कि पाकिस्तानी फाइटर जेट्स के एक एक मूवमेंट की जानकारी विंग कमांडर अभिनंदन तक भी पहुंचाई। भारतीय सुखोई और मिराज लड़ाकू विमानों ने पाकिस्तानी विमानों को एंगेज किया हुआ था। रडार पर महिला फ्लाइट कंट्रोलर को और ज्यादा पाकिस्तानी विमान आते हुए दिखे। महिला कंट्रोलर ने बिना वक्त गवाए सबसे करीबी श्रीनगर एयरबेस से 6 मिग लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने को कहा। श्रीनगर से उड़ान भरने वाले मिग लड़ाकू विमानों को विंग कमांडर अभिनंदन लीड कर रहे थे। भारतीय एयरफोर्स की महिला अधिकारी भारतीय पायलट्स को पाकिस्तानी जेट्स की सटीक जानकारी दे रही थी। इन्हीं महिला अधिकारी ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि पाकिस्तान ने हमले में F-16 विमानों का इस्तेमाल किया है। भारतीय पायलटों को इन्होंने बताया था कि F-16 विमान मीडियम रेंज की AIM-120C एमरम मिसाइल से लैस है। दोस्तों, सुरक्षा कारणों की वजह से हम इस महिला ऑफिसर का नाम आपको नहीं बता सकते। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और एपिसोड को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और ताज़ा अपडेट्स के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।